નમસ્તે દર્શક મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે. સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારની 10 વર્ષીય કિશોર પર 4 જેટલા ઈસમો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો. કિશોરના શરીર પર 14 જેટલા ઘા મારવામાં આવ્યા. કિશોરને સારવાર માટે તાત્કાલિક નવી સિવિલ હોસ્પિટલના ઓટીપીમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. કિશોરનું નામ આદિત્ય કુલદીપ શર્મા છે, જેઓ પાંડેસરા વિસ્તારમાં આવેલ તેરેનામ ચોકડી પાસે જય અંબેનગરના રહે છે. પિતા કુલદીપ શર્મા જેઓ વેલ્ડિંગનું કામ કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. હાલ સમગ્ર મામલે પાંડેસરા પોલીસે પરિવારનું નિવેદન લઈ આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. मेरे लड़के ने कचरे फेंकने के लिए गया था तो चाकू मारी. अब क्या हुआ फिर? क्या हुआ था? कहाँ पे गए उनका लड़का? क्या कहाँ क्या गया था और कितने चाकू मारा और क्या हुआ? एक लड़के ने चाकू मारा मगर मुझे पता नहीं था, लड़के को सब मालूम है. किसका कहाँ कहाँ चाकू मार, कितना कहाँ मारा? पीठ पे मारा है, हाथ में मारा है, गाल में मारा, कान में मारा. और क्यों मारा था तो पता नहीं. मुझे नहीं पता. गया था क्या? गया कहाँ? आपको क्या बोल के गया? मुझे बस यही बोल के गया, मम्मी मैं कचड़ा फेंक के आ रहा हूँ. मैं बाहरी में बैठी थी मगर उसको बगल से गया तो देख नहीं पाई. गली था, दूसरा गली. लड़का बड़ा था या छोटा था इनकी? नहीं, लड़का बड़ा था, होएगा 14 साल तक. किसने बताया आपको क्या था? एक लड़के रहता है ना नीचे, उसी ने बोला कि आपके लड़के का देखो चल के सर फट गया है. तो जब देखने के लिए गई तो लड़का मेरा बिल्कुल बेहाल था, पूरा लथ था खून से. तो जब देखी ना तो उसको बोली किसने मारा बाबू, तो एक लड़के का नाम लिया मगर नाम मुझे नहीं पता है क्या नाम है उसका. मगर लड़के से आप चाहो तो पूछ सकते हो. कितने पढ़ाई करता है? पढ़ाई कितने में करता है? लड़का मेरा 2 क्लास पढ़ा है.